प्रिय विद्यार्थियों, आरसीए की ऑनलाइन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और 5.1 में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थी सब करा दिया और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो आप अपने अपने से करेंगे। तो देखिए 5.2, और सबसे पहले मैं केस फर्स्ट में बोलता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। देखिए, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका ट्राइंगल है और ये ए बी और ये सी, जिसमें आपका ए है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 है और इसके x3 y3 है। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे? डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मैं बता दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर किसी भी शेप का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए जब हम डेल्टा निकालें और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद देखिए, इसका केस फर्स्ट तो हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड देखिएगा, केस सेकंड है तीन बिंदुओं की संरेखीयता का प्रतिबंध। इसका मतलब यह है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, ऑल थ्री पॉइंट्स लाई इन ए सेम लाइन या लाइन ए लाइन। तो उसके लिए देखो कैसे करोगे, जैसे आपके पास ये पॉइंट है, आप कह दो कि यहां पर आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है, तो ये कब आएगा? तो इसके लिए देखिए, डेल्टा इक्वल टू अभी आपने निकाला वो क्या आ जाए, 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो उस समय वो जो तीनों निर्देशांक होंगे वो एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो देखिए 1/2 और यहां से आएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। अब देखो ये 1/2 है वो 0 में चला जाएगा, उसके बाद कैसे होगा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, और ये क्या होगा? 0। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब तीनों बिंदु समान रेखा में हो या एक ही रेखा में हो या संरेखीयता का क्या प्रतिबंध होता है, तो आपको ये डिटरमिनेंट को याद रखना है। अब इसमें केस थर्ड और देखिए, लगे हाथ देखिएगा, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना जब यह दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरती है। देखिए, आपने लास्ट ईयर सरल रेखा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा y-y1 इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2-x1 इंटू x-x1। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि सारणिक की सहायता से रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? x y1, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद बता दूं, जो आपको मैंने 2D का फॉर्मूला बताया,
अगर उसको आप एग्जाम में करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्पष्ट बोलेगा एग्जामिनर कि सारणी की सहायता से। अगर वो ऐसा नहीं बोलता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसी भी मेथड से स्वतंत्र हो, अदरवाइज आपको सारणी का ही यूज करना पड़ेगा। तो हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज 5.2 का। आपको मैंने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने से करना है और क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा देता हूं। ऐसे ही इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप सेल्फ ट्राई करने की कोशिश करना। तो देखिए सारणिक की सहायता से, बोल दिया ना, सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1, 4, 2, 3 एंड -5.3 है। क्या दिए गए बिंदु संरेखीय हैं? ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने आपको 11th क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया था, वहां मैंने इसका शॉर्टेज भी बताया था। अब ये नहीं कि आप एग्जाम में इसका शॉर्टेज लगाए हो, अब की बार आपका सब्जेक्टिव मेथड है, आपको सब्जेक्टिव तरीके से चलना है। कभी उसको आप बिल्कुल शॉर्ट में करके और बोल दो कि हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया है, 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपने शॉर्टेज लगाया। तो देखिए अब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बोलिए क्या क्या है, 1, 4, 2, 3 और -5.3 है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब आप इसे सोल्व कर दो, 1/2 x1 का वैल्यू रखो 1, 4, 1 2, 3, 1 -5, 3, 1। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, देखिए सोल्व करने के बाद क्या मिलता है आपको। देखिए इक्वल टू 1/2 और उसके बाद देखिए ये 1, देखिए एक बार ये देखिए -3 है, -5 -3। अब देखिए 1/2 और उसके बाद 1, फिर क्या हुआ, ये पंक्ति हटाओ ये स्तंभ हटाओ तो क्या आएगा, 3+3। और वैसे भी मैंने आपको सारणिक को तो सोल्व करना बता ही रखा है, फिर क्या करोगे -4 और क्या होगा, देखो ये हट गया ये हट गया, क्या आएगा 2+5 और लास्ट क्या है +1 तो -6+15 ये आपके पास आ चुका है। अब इसके आगे आप सोल्व कर लीजिए, देखिए 1/2 6 -28+9 और ये आता है 1/2 15 -28 यानी -13/2 और ये क्या होगा 13/2 और इसको लिखोगे वर्ग इकाई और ब्रैकेट में डाल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो इस चीज को आप समझिए, हमने क्वेश्चन सोल्व किया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव में आया, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं आया, हमारे डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव में आया। तो अब एक बार बताइए इसे ये है, इसका एरिया क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, जबकि इसने तो देखिए ये छायांकित भाग है ये इसका क्या है क्षेत्रफल है, तो आपको नेगेटिव था उसको क्या बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव करना भी इतना सही नहीं है, उसके आगे ये भी जरूर लिखना है वर्ग इकाई, आप अगर यूनिटरी लिखते हैं तो भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, और लिखना ब्रैकेट में चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अब इसके बाद एक हल्का सा पॉइंट है उसको भी लगे हाथ देखिए, से स्पष्ट है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यानी कि
13 बटे दो जीरो नहीं आया, इसलिए तीनों बिंदु संरेखीय नहीं होंगे। देखिए एक बात की कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा सुनो, क्या बताया था मैंने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जीरो आए तो आपको बोलना है कि तीनों शीर्ष संरेखीय होंगे, लेकिन यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो नहीं आया, इसका मतलब संरेखीय भी नहीं होंगे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप करिए। आज के लिए इतना ही।